हरियाणा सरकार जो इस कोरोना महामारी को लेके ये एक ऐसी चीज सामने आ गई जो बहुत सवाल छोड़ के जाएगी, आने वाले समय के लिए लोगों को एक अलग चीज़ें मिलेंगी कि क्या था। देखिए, कोरोना ऐसा नहीं है कि जितना इसका शोर हो रहा है, मैंने देखा है कि क्योंकि मेरे पास हरियाणा में सरसा और फतेहाबाद दो ज़िले हैं जो मैं लोगों से जुड़ा हूँ, सभी का देखा हूँ, हॉस्पिटल विजिट करे हैं, 6-6 हॉस्पिटल एक दिन में विजिट करे हैं। मैंने देखा है कि लोगों में एक भ्रम और वहम ज़्यादा है, लोगों में एक दहशत ज़्यादा है, इतना नहीं है। मैं मेरे घर में कह रहा हूँ, हमारे दो घर में मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर मेरी फैमिली के, दोनों ऊपर रह रहे हैं, दोनों कोरोना थे और दोनों ठीक हो रहे हैं। मैं अब समझता हूँ 90% ठीक हो गए। हमने अब लोगों को ये करने के लिए कि गाँव से शहर पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़े और लोगों को दिक्कत नहीं आए, इस करके हमने किया है कि सारे जो हैं दवाइयाँ बना के अच्छे फिजिशियन से सलाह करके एक हमने किट बनाई है, जिसमें जैसे आपका जो जिंकोविट है, उसके बाद पैरासीटामोल है, एक दोनों है, ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर्स बढ़िया डॉक्टर्स दिया करते हैं, अच्छे अच्छे 5-स्टार जो ये हॉस्पिटल हैं, एम्स है, उसके बाद आपका मैदाता हॉस्पिटल है, जो उनमें ट्रीटमेंट देते हैं, वही हमने दवाइयाँ बना के और लिफाफों की किट बना के गाँव में भेजने का काम कराया। हमने 15,000 किट ऑलरेडी भेज दी, 9,000 किट आज हमने तैयार कर ली, जो रात को चली जाएंगी या कल दोपहर तक सब जगह पहुँच जाएगी, मतलब 24,000 किट 300 गांव, मानो हर गांव में 80-80 के करीब चली गई, और 8-10,000 हम और दे देंगे, मतलब हर गांव में 100-100 किट चले जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि इतने पेशेंट नहीं है जो पॉजिटिव हैं। आज हमने RMP डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कोई 200 के करीब डॉक्टर्स थे RMP जो गाँवों से आए थे। एक बड़ा अच्छा हमारा चैनल जुड़ गया, जिनमें शहर के टॉप जो फिजिशियन थे वो बीच में रखे, एक इंटरेक्शन हुआ आपस में, सवाल जवाब हुआ, उनको समझाया गया कि आपको दवाइयाँ कैसे देनी है, इनकेस ये हो जाए, वो सवाल पूछ रहे थे, डॉक्टर्स उनको आंसर कर रहे थे। हमारे DC साहब भी थे, SP थे, CMO थे, और हमारे CO जो हैं वो जिला परिषद वो भी थे। तो हमने हर गांव में ये दवाइयाँ भेजने का काम करा। मैंने मेरे अपने निजी कोष से 50,00,000 रुपया जिला प्रशासन को दे दिया, और शहर में भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी हमें 25,00,000 रुपया दिया है। इसके अलावा मैंने फतेहाबाद में भी 25,00,000 रुपया मेरे HA कोटे से दे दिया कि तुम दवाइयाँ ला, हम ट्रक के ट्रक भर के दवाइयाँ ला रहे हैं बाहर से और लोगों को ये दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। जो परिणाम आए हैं पिछले 4 दिन में गाँव में, अभी आज डॉक्टर ने हमें बताया कि गुरु कह रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। हमने बहुत प्रचार करा है कि गाँव में जिन लोगों को, वो बड़ा समझदारी से, और जो युवा टीम है वो है, उसके बाद आपका पंचायत सेक्रेटरी जो गांव में जो एक सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वो, और गौशाला के लोग हैं, ये सब मिलके, नेहरू युवा केंद्र वालों का है, ये सब मिलके एक टीम बनके लोगों में प्रचार कर रही है, उन्हें स्कूलों में आइसोलेशन केंद्र में शिफ्ट कर रहे हैं, जिनको कोरोना हो गया वो स्कूल में आ गए और वहीं अपना खाना उनका रहे, एक हफ्ते बाद सब लोग आराम से चले जाएंगे। इसका जो परिणाम आया वो ये आया, हमने 2135 सैंपल लिए हैं जिनमें 424 पॉजिटिव केस आए हैं। तरन जैसे हमारे डाउन होते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस परसों 1350 थे, आज हमारे पास केवल 424 केस आए हैं। हमारा बहुत कंट्रोल होता जा रहा है, जितना हमने लॉकडाउन सख्त करा उससे भी हुआ। तो मेरा सरसा ज़िले में लोगों से एक मेरी अपील है, और पूरे हरियाणा में भी सब लोगों से, कि गाँव में घबराएं नहीं, सब मेडिसिन हम पहुँचा रहे हैं, सरकार पूरे ज़ोर से लग रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज़ नए नए हॉस्पिटल का उद्घाटन करें, आज उन्होंने हिसार में करा, पहले सिरसा में करके गए, अब उसके बाद आज गुड़गांव में कर रहे हैं, हर जगह लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेड्स की मुहैया करवा रहे हैं। सिरसा में भी आज हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब जगह बांटे हैं, कुछ 40 के करीब सिरसा में, उसके बाद अहलाबाद में, डबुआली में, चौटाला में और रानिया में, हर कालामाली हर जगह हम वो दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले थी पर अब इसके बाद, पहले 2 दिन रहा पर उसके बाद हमने, गवर्नमेंट ने इतना जल्दी से इंतज़ाम कर लिया कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग बहुत ठीक हो रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ रहा तो हम अगले 5-7 दिन में कोरोना को कंट्रोल कर जाएंगे। ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पे 8.5 टन आ रहा है, बहुत हम पे सरप्लस रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब पिछले 2-3 दिन में कहीं भी ऑक्सीजन का कोई लोगों की गिला और शिकवा कोई नहीं था।